नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्रेजेंट टाइम में इंडियन मार्केट में कई सारी गाड़ियां ऐसी बेची जाती हैं जिनका क्रैश टेस्ट अभी तक ग्लोबल एनकैप में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूत माना जाता है क्योंकि कई सारे एक्सीडेंट्स में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। और इन्हीं गाड़ियों में से एक नाम हैरियर का भी आता है। वैसे तो टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ियां इस समय आ रही हैं उनमें से लगभग सभी का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है और उन सभी ने अच्छे पॉइंट्स के साथ 4 और 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर भी किए हैं। सिर्फ हैरियर और सफारी ही ऐसी है जिनको कंपनी ने अभी तक टेस्ट के लिए नहीं भेजा है। अब ऐसा क्यों है वो तो कंपनी ही जाने, लेकिन इनके लगातार कई सारे एक्सीडेंट्स को देख कर कुछ हद तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको कितना मजबूत बनाया गया है। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो टाटा हैरियर और मारुति सुजुकी वैगनार के बीच हुआ है और ये महाराष्ट्र से हैरियर के ओनर मिस्टर प्रणव जी ने मुझसे ये मेल पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर किसी जगह हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हैरियर से उसके ओनर एक्सप्रेसवे से होकर जा रहे थे और उस समय उनके जस्ट पीछे एक वैगनार चल रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हैरियर के आगे चल रहे कुछ गाड़ियों ने किसी वजह से अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद प्रणव जी ने भी ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक दिया। अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ रहा वैगनार का ड्राइवर टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा एसयूवी के बैक साइड में घुस गया। ये इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा ही जबरदस्त था। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं हैरियर का टेल गेट अंदर घुस गया है। हालांकि दूसरी तरफ हैचबैक के फ्रंट में कुछ ज्यादा ही नुकसान आ गया। इसका हेडलाइट, बम्पर, बोनेट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल सब कुछ डैमेज हो गया। थैंकफुली दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, किसी को चोटें नहीं आईं। यहां पर एसयूवी का परफॉर्मेंस अच्छा था। हालांकि कुछ लोग इसको रिसेंटली हुए एक्सीडेंट के बाद से सेल्टॉस के 3 स्टार से कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई कहां सेल्टॉस और कहां हैरियर। जो सिचुएशन हैरियर के साथ थी, अगर सेम सिचुएशन सेल्टॉस के साथ हुई होती तो इसके 200 टुकड़े हो जाते। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।